हाय दोस्तों, तो आज हम आए हैं यूएस सिनेमा मैच ऑफ लाइफ मूवी के ग्रैंड सक्सेस इवेंट में। तो आइए जानते हैं मैच ऑफ लाइफ के स्टार कास्ट से कि वो इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं। हाय, हेलो। मेरा इस फिल्म में अर्जुन का कैरेक्टर है, आई एम द लीड ऑफ दिस मूवी। और बाकी पूरा का पूरा एक्शन सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा, इसमें गाने बहुत अच्छे मिलेंगे, ओवरऑल कॉमेडी कॉन्सेप्ट है। और इस फिल्म में बेसिकली क्या दिखाया गया? इसमें ये दिखाया गया कि अगर नॉर्मल इंसान एक सेलिब्रिटी की शक्ल लेकर पैदा हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी में उसके साथ क्या क्या होता है, लोग कैसे उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसके साथ क्या क्या पॉजिटिविटी है इस चीज़ की, क्या क्या नेगेटिविटी है इस चीज़ की। तो रियल लाइफ बेस्ड, रियल लाइफ बेस्ड मूवी है। जी, विशाल मेहता, मैं इस फिल्म में प्रोड्यूसर और राइटर दोनों मैं ही हूँ। और इस फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत की गई है, और मतलब दिन रात जाग जाग के, लेट नाइट बहुत काम किया गया इस फिल्म पे। और ऊपर वाले की कृपा रही है कि ये कुछ टाइम इसमें बीच में लगा हमें, लेकिन ये रिलीजिंग पे है, रिलीजिंग हो चुकी है और सक्सेस है, हाउसफुल चल रहे हैं। तो इस फिल्म में हमने दिखाया कि एक सेलिब्रिटी की शक्ल लेके, विराट कोहली जो अपने क्रिकेटर हैं, विराट कोहली जी, उनकी शक्ल लेके एक बंदा पैदा हो गया है। तो एक सेलिब्रिटी की शक्ल लेके कोई पैदा हो जाता है तो उसके साथ क्या क्या नेगेटिव होता है ज़िंदगी में, क्या क्या पॉजिटिव होता है, तो वही सब दिखाने की कोशिश की गई है। जी, ये रियली है, स्टोरी रियली है और सब रियल चल रहा है। इसका मैच ऑफ लाइफ पार्ट 2 भी बनाने की हमने तैयारी है, तो ये सक्सेस देख के अब मैच ऑफ लाइफ पार्ट 2 चालू करेंगे। और इसमें श्वेता जी ने अपना म्यूज़िक दिया है, और रवि जी, और काफ़ी अच्छा म्यूज़िक रहा है फिल्म का, मतलब हिट है, जी को हमने इसका म्यूज़िक दिया, और काफ़ी सक्सेस चल रही है, हर चीज़ मतलब अच्छी है, तो मतलब मेहनत सफल हुई है हमारी। तो सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी ये मूवी एक ग्रैंड सक्सेस है। जी, ग्रैंड सक्सेस, सब कुछ अच्छा चल रहा है और फिल्म हिट है, अपने में हाउसफुल जा रहे हैं, पब्लिक को टिकट नहीं मिल रही है, हाउसफुल जा रहे हैं, पब्लिक को टिकट नहीं मिल रही, तो ऐसा चल रहा है, काफ़ी अच्छा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मूवी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है कि लोगों को कोशिश करने के बावजूद भी इसकी टिकट्स नहीं मिल पा रही हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी इस मूवी को देखने जाइए। तो आइए मिलते हैं इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर से। हाय मैम। हेलो, मैं श्वेता बाहेती तायल, और इस मूवी के म्यूज़िक में और पिक्चर भी आप देखोगे फुल ऑफ कॉमेडी। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ, कल पहला रिलीज़ था तो मैं और वंदना, मेरी फ्रेंड भी है, समधन भी है, उसने कहा चलो टिकट लेते हैं, मैंने कहा चार की आराम से मिल जाएगी, हम लोग देखें मूवी कैसी है। दो मिनट बाद उसका फ़ोन है, श्वेता टिकट्स नहीं मिल रही, इट इज़ एन हाउसफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बड़ी खुशी हुई, फिर क्या टिकट्स तो मिल, हमने अरेंज कर ही ली थी कुछ। फिर मैंने डांस करते हुए लोगों को, पब्लिक को एक जमाने बाद देखा, क्योंकि कोरोना के बाद अभी तक कोई मूवी ऐसा नहीं हुआ कि इतना। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि कहते हैं ना, जिस किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात साथ देती है, बस वही हुआ, इन लोगों ने इतनी मेहनत करी। इसकी आप एक्टिंग देखना, मज़ा आ जाएगा। हमारे साथ, मेरे साथ एक रवि चोपड़ा, हम दोनों हैं म्यूज़िक डायरेक्टर। म्यूज़िक आप देखना, सही में फुल ऑफ मस्ती एंड फन। तो लेट्स सी, आप देखेंगे फिर आप बताइएगा मूवी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस मूवी के ग्रैंड सक्सेस इवेंट पे आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त कितने लोग मौजूद हैं इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए। इट इज़ अ बिग डे फॉर अस। यस, Yes, are doing so well. It's rated 8.2. Yes. So God, that's bless great. Her. Yes, we are very proud of her, Shweta. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you so much. Good evening. Sir, आप इस मूवी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? Lyrics बहुत अच्छे हैं, songs के बारे में we heard a lot, and we're looking forward to seeing the movie, and we wish her the very best. Thank you. आप इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मूवी तो सुपर हिट होने वाली है, गाना बड़ा जबरदस्त है, टल्ली हो गई तो खास करके, बहुत ही सुंदर गाना है, और पिक्चर कोई बैठ ही नहीं सकता गाना जब चल रहा होता है। और कोई स्पेशल बात आप स्पेसिफिक चीज व्यूअर्स को बताना चाहते हैं जिससे सुन के वो इस मूवी को जरूर देखें? हाँ, कि ये बस हाउसफुल चल रही है, मेरे ऑफिस वालों को भी सीट नहीं मिली है इधर, तो बस हाउसफुल जा रही है, आई होप दो तीन महीने भी हाउसफुल जाए। बहुत अच्छे हैं, तो सबको जरूर देखना चाहिए। फुल कॉमेडी है, एंटरटेनमेंट है, एक्शन है, एंड सब कुछ है, गाने सुपर हिट है, एंड मतलब वही है, काफ़ी टाइम बाद इतनी अच्छी मूवी ऐसे फैमिली के साथ जो हम देख सकते हैं, एज यू कैन सी लाइक फैमिली के साथ ही आए हम, और सबको बहुत अच्छा लगा। सो दिस इज अमेजिंग।
सो ये एक ऐसा मोमेंट है जो हमें हमेशा याद रहेगा। सालों बाद मैंने देखा यहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं, खूब डांस, छोटे छोटे बच्चे भी खूब डांस कर रहे थे, तो बस हम लोग देखते हैं। मेरा ब्रदर आशीष अंसारी का प्लीज एक बार आ जाओ, अनिल आ जाओ यहाँ पे, प्लीज कम। ये यशिका है, शी इज ऑल्सो इन मूवी, और यशिका प्रोडक्शन इसी के नाम पे है, एंड शी इज ऑल्सो मतलब यश की मम्मी है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। अर्जुन क्या हुआ, इतनी रात में अर्जेंट है अर्जेंट है कहके फोन मिला, क्या हुआ? अर्जेंट है अर्जेंट है, मीटिंग में था यार मैं, फोन मिला देता है। अब अपने और तू समझेगा नहीं ये सब क्या है ऑल अबाउट, क्या नहीं समझूंगा मैं, अबे मेरी तरक्की रख लेंगे हमने अपनी पिक्चर के दो एंड बना के रखे हैं, याद नहीं है ज्यादा तू रजिया। देखिए मेरी पत्नी भी कई बार गुस्सा होती है कि तुम मेरे पति नहीं हो, तो क्या मैं उसका पति नहीं हूं? भाई तू ही संभाल, हां बनेगा। इससे बढ़िया देखने का मौका कहाँ मिलेगा, इतनी बढ़िया आप लोगों के संग देख रहे हैं, बहुत बढ़िया पिक्चर है और बहुत सुपर हिट जाएगी, वंडरफुल वंडरफुल। इट इज एंटरटेनिंग एंटरटेनिंग वेरी एंटरटेनिंग। सॉन्ग कैसे लगे आपको? बहुत बढ़िया, म्यूजिक एंटरटेनिंग, बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत बढ़िया, सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक बहुत अच्छा है, स्टोरी भी अच्छी है, सॉन्ग्स वगैरह सब बहुत अच्छे, लिरिक्स बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी फैंटास्टिक, म्यूजिक बहुत बढ़िया। It was very fantastic movie and we'll all like it. कल क्या होगा? तेरी यारियां, यारियां, very truly motivational. Very good, very good. बहुत बढ़िया। Songs are very good. वेरी नाइस। मेरी जो मूवी है मुझे तो अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगी, वेरी नाइस म्यूजिक, लवली म्यूजिक, सब एंजॉय किए, मूवी बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल है, मीन्स अभी जितने हंसते हुए चेहरे निकल रहे हैं उससे पता लग रहा होगा सबको कि भाई बहुत अच्छी मूवी है, एंड म्यूजिकल हिट तो है ही है, एंड एवरीथिंग इज देयर, मैंने एंटरटेनमेंट है, एक्शन है, मूवी ही भाई म्यूजिकल हिट भी है, एवरीथिंग, सो एवरीबडी शुड वॉच, मस्ट वॉच है। इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी एंड द सॉन्ग्स आर लवली, आई एम सो हैप्पी माय भाभी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ श्वेता जी ऑफ हर सॉन्ग्स, आई थिंक दे आर द आइसिंग ऑन द केक। मैच ऑफ लाइफ पार्ट टू में हम अब ये बॉलीवुड में पहुंच चुके हैं और इससे आगे का मैच दिखाना हमने कि अब इनकी लाइफ में क्या मैच चलता है, ठीक, और हमने आज के टाइम में पब्लिक को 2 घंटे रोकना बहुत मुश्किल है, हमने 2 घंटे 17 मिनट रोका पब्लिक को, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और कोशिश करेंगे अगले पार्ट में 2.5 घंटे रोकें, ठीक है ना, तो बस मैच ऑफ लाइफ पार्ट की पूरी तैयारी है, अब शूटिंग चालू करेंगे और आगे चालू करते हैं और कोच जी 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 अभी तो और मसाले डलेंगे, अभी तो और मसाले डलेंगे फिल्म के अंदर, अभी और मसाले डलने हैं, आप मैच ऑफ लाइफ पार्ट टू में आपको और मजा आने वाला है, और हम इसकी हमारी कोशिश है कि हम इंडिया से बाहर भी जाएं,
मतलब लंदन शूट करें इसे, पूरी प्लानिंग चल रही है कि मैच ऑफ लड्डू को लंदन शूट करेंगे। इस मूवी के सारे व्यूअर्स को इसके सेकंड पार्ट का जरूर इंतजार है। जी जरूर देंगे जी। जब आपने इतना प्यार दिया, आप लोगों ने, जनता ने इतना प्यार दिया, पब्लिक ने प्यार दिया, हाउसफुल जा रहे हैं, तो हम पार्ट टू में भी आपको दिखाएंगे और यही चाहेंगे कि टू में भी इतना ही प्यार मिले हमें। आई विश कि उसमें भी ऑडियंस के हाउस सारे थिएटर्स के हाउस। जी जरूर, कोशिश हमारी पूरी रहेगी, पूरी मेहनत करेंगे कि मैच ऑफ लाइफ पार्ट टू में भी हाउसफुल जाए। थैंक यू। ओके, एक सेलिब्रिटी की शक्ल लेकर पैदा होता है तो उसकी जिंदगी में क्या क्या होता है? पार्ट टू में हम ये दिखाएंगे कि अगर एक नॉर्मल इंसान ही पैदा हो रहा है इस दुनिया में तो उसकी जिंदगी में क्या क्या मैच है। आपकी जिंदगी में मैच है, मेरी जिंदगी में मैच है, हर किसी की जिंदगी में एक मैच है। अभी तो आप फ्लर्टिंग करते हुए दिख रहे हैं। थैंक यू। तो अगले पार्ट में क्या? वो रियल फेज है मेरा। सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं। आपको कैसी लगी ये मूवी? मूवी बहुत बढ़िया थी, स्टोरी अलग थी, सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं। 5 में से कितना रेट करोगे आप इसे? 4। और ब्लॉकबस्टर पैसा वसूल में से? पैसा वसूल। आपको कैसी लगी? धासु। ब्लॉकबस्टर और पैसा वसूल में से अभी से क्या रेट करोगे? पैसा तो वसूल हो ही गया, प्रोड्यूसर को तभी तो सेकंड पार्ट बना रहा समझिए कि नहीं, लेकिन उसने सारे ही चीज़ें डालने की कोशिश की है जो प्रोड्यूसर्स ने, तो वो नेक्स्ट टाइम क्या नाम है उससे भी अच्छे चीज़ें डालेगा और बाहर की लोकेशंस के पे भी शूट करेंगे तो बेस्ट बनेगी। और इन्होंने म्यूज़िक बहुत अच्छा दिया। थैंक यू सो मच। आप लोगों को म्यूजिक अच्छा लगा, सॉन्ग्स मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि सब बैकग्राउंड म्यूजिक था ना, बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी आपने पकड़ रखी है इसमें। जी मेन चीज ये है, यानी सबसे बड़ी बात है इसमें चार गाने हैं और चारों अलग टाइप के हैं। एक इमोशनल है, एक मोटिवेशनल है, एक पार्टी सॉन्ग है और एक मस्त सॉन्ग है, कल क्या होगा किसने देखा। इसमें मेरे साथ रवि चोपड़ा जी भी हैं, वो आ नहीं पाए, मुंबई में बिजी थे, बट दोनों हैं इसमें। ओके, थैंक यू सो मच। ऋतु पढ़ना से मैच ऑफ लाइफ, मैच ऑफ लाइफ, मैच ऑफ लाइफ, मैच ऑफ लाइफ, मैच ऑफ लाइफ। मैच ऑफ लाइफ, मैच ऑफ लाइफ, मैच ऑफ लाइफ। सब देखो यार, बहुत अच्छी मूवी है यार। नमस्कार, मेरा नाम मयूर राउत है। आज 9 अगस्त 2022 है और मैंने फिल्म द मैच ऑफ लाइफ देखी है, जिसका मुझे बहुत ही हार्दिक दिल से मैं डायरेक्टर को बधाई देता हूँ और सोनू मिश्रा जी के काम की बहुत तारीफ करता हूँ। और जो ओवरऑल फिल्म है बहुत ही एंटरटेनिंग है और आप लोग परिवार के साथ ज़रूर देखिए मैच ऑफ लाइफ। मैं अभी मैच ऑफ लाइफ फिल्म देखकर निकल रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, टाइम पास है और इसके जितने भी आर्टिस्ट हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। सोनू मेरे दोस्त, चाहे से कोरियोग्राफर हो, राजपाल यादव हो, सबने बहुत अच्छा काम किया है। मैं अभी वही फिल्म देख रहा हूँ, अभी इंटरवल हुआ है, लेकिन मुझे फिल्म अच्छी लगी है। इसके कुछ एक्टर्स ने अच्छा काम किया है और अमन जी का काम मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you.